प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन करना चाहिए ये सबसे ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका प्रेगनेंसी से पहले वजन कितना था। वैसे पूरी प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो तक के बीच में वजन गेन करना एक नॉर्मल वेट माना जाता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि चार कैटेगरी के अंदर महिलाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहली वो महिलाएं होती हैं जिनका प्रेगनेंसी से पहले अंडर वेट होता है, मतलब जिनका 45 से भी कम वेट होता है। तो ऐसी महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी 14 से 18 किलो के बीच में वेट हर हाल में गेन करना ही चाहिए एंड इससे कम नहीं होना चाहिए। वो महिलाएं जिनका वेट प्रेगनेंसी से पहले बिल्कुल नॉर्मल वेट था जितना होना चाहिए, तो उन महिलाओं को 11 से 16 किलो के बीच में ही वेट गेन करना चाहिए। एंड वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी से पहले थोड़ा सा हेल्दी थी, तो ऐसी महिलाओं को 7 से 11 किलो के बीच में ही वेट गेन करना चाहिए। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही मतलब 1 से 3 महीने के अंदर, जिसमें आपका सिर्फ 2 से 3 किलो के बीच में ही वेट बढ़ना चाहिए। बट इस दौरान क्या होता है कि ज्यादातर महिलाओं का वेट गिर जाता है, क्योंकि उस समय उनको उल्टी एंड चक्कर, बहक लगना, कुछ खाने का मन ना करना, बेचैनी होना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से उनका वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बट इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। एंड उसके बाद में आप कोशिश करें कि आपका जो वेट है वो हर 2 हफ्ते के अंदर 1 किलो ही गेन होना चाहिए। एंड आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन में सिर्फ 300 कैलोरी की ही जरूरत होती है, मतलब जितना आप अभी तक खा रही थी उसमें आपको सिर्फ 300 कैलोरी एड कर देनी है। और आपको ये पता करना है कि आप अभी तक कितनी कैलोरी ले रही थी, तो बहुत सारे ऐप आते हैं उसमें आप अपना जो भी खाना खा रही थी उसको डाल के बिल्कुल चेक कर सकती हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी आपको अपनी डाइट में कितना और बढ़ाना है। एंड आप कोशिश करें कि जो कैलोरी है वो आप हेल्दी चीजों से लें। हेल्दी चीजों से लेने से क्या होगा कि आपके बेबी का वेट बहुत अच्छा गेन होगा। एंड अगर आप अनहेल्दी चीजों का सेवन करती हैं तो इससे सिर्फ आपका ही वेट गेन होगा एंड बाबू का वेट गेन नहीं होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। एंड अब हम आपको क्लियर करते हैं प्रेगनेंसी में जो आपको वेट बढ़ाने के लिए बोला जाता है, तो इसमें कुछ हिस्सा ही आपका फैट होता है। आपके वजन का जो 1/3 हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, उसमें बेबी का वजन जो 2.5 से 3 किलो के बीच में होता है एंड उसके बाद में प्लासेंटा का वजन जो 500 ग्राम या फिर 700 ग्राम के बीच में होता है, ये आपके बेबी के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद में एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें आपका बेबी रहता है उसका वजन लगभग 800 ग्राम के बीच में बढ़ जाता है। एंड उसके बाद में आपकी जो वजन का 2/3 हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, आपके जो गर्भाशय की जो मांसपेशियों की परत होती है एंड वो भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है एंड उसका वजन जो होता है लगभग 900 ग्राम के आसपास तक हो जाता है। एंड इसके अलावा जो आपके शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो भी बढ़ जाती है, इसका वजन लगभग 1 किलो 200 ग्राम के आसपास तक बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा जो आपके शरीर में तरल पाया जाता है उसका भी वजन लगभग 1 किलो 200 ग्राम तक के आसपास बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा आपके जो ब्रेस्ट होते हैं उनका भी वजन लगभग 400 ग्राम के आसपास तक बढ़ जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो इसलिए होता है कि जब आप डिलीवरी के बाद में बाबू को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आपको प्रॉपर एनर्जी मिल सके। एंड इन सभी चीजों का जो वजन बढ़ता है तो उसी को मिलाकर के बोला जाता है आपको प्रेगनेंसी में सही वेट गेन करने के लिए। मैंने आपको ये एक नॉर्मल आइडिया दे दिया है एंड इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि आपको अपने अकॉर्डिंग एंड अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना वेट गेन करना चाहिए। एंड एक बात ध्यान रखें कि आपको प्रेगनेंसी में ओवर वेट गेन नहीं करना है। ओवर वेट गेन आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा, जिसमें कई समस्याएं आती हैं। सबसे पहले कि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड दूसरी बात बाबू का वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जिससे बेबी को लो बर्थ वेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। एंड अगर आप अनहेल्दी चीजें बहुत लेती हैं तो आपको डायबिटीज भी हो सकती है एंड उसके बाद में आपका हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है एंड आपके हाथों पैरों में सूजन भी रह सकती है एंड चेहरे पर भी। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, इसलिए प्रेगनेंसी में अनहेल्दी चीजों से जहां तक हो सके वहां तक बचें एंड हेल्दी से हेल्दी चीजें खाने की कोशिश करें। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर करें। एंड आप ट्वींस प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।